खाना नहीं पूछती हमसे। अंबिका निवास में पिछले 40 सालों से रूपा का राज चल रहा था। रूपा के दो बेटे थे और दोनों ही रूपा की सांस सांस गिनते थे। उन दोनों की शादी हो चुकी थी। किस्मत से रूपा की दोनों बहुएं भी बहुत अच्छी आई थी। पोते पोती भी थे जो कि उतने ही अच्छे और संस्कारवान थे। पर कहते हैं ना, सातों सुख मिलने के बाद भी दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो सुखी नहीं होते। दो दो थैलियाँ, इतनी महंगाई में इतनी सारी सब्जी कौन खरीदता है? लगता है आज तेरे घर में पार्टी होने वाली है रूपा। अरे काहे की पार्टी, खाना ही नसीब हो जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। क्यों भई, अब तो तेरे छोटे बेटे की शादी हो गई, दो दो जवान बहुएं हैं, घर पर काम तो करती ही होंगी। अरे हमारा ज़माना अलग था सुषमा, जब एक अकेली बहू 40-50 लोगों के लिए 3 वक्त की रोटियां बना देती थी और चू भी नहीं करती थी। पर यहाँ तो दो दो बहुएं मिलकर भी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने भर में ही थक जाती है। अब क्या ही बोलूँ, अपने मुँह से अपने घर की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाना मुझे शोभा नहीं देता सुषमा। उन लोगों को हमारे घर की इज्जत की नहीं पड़ी, पर मुझे तो पड़ी है ना। कोई बात नहीं रूपा, क्या करेगी, ये तो आज सभी के घर का हो गया है। रूपा की बात सुनकर सुषमा उसके कंधे पर हाथ रखकर आगे चली जाती है और रूपा अपने घर के लिए निकल जाती है। जैसे ही थैलियाँ लेकर रूपा अपने घर पहुँचती है, उसकी बहुएँ भाग कर दरवाजे पर आती है और उसके हाथ से सब्जी की थैलियाँ ले लेती है। ओहो, क्या ज़रूरत थी मम्मी जी मार्केट तक जाने की। हाँ हाँ, 2-4 लोगों का चेहरा भी ना देखूँ, घर में बैठी बैठी बीमार पड़ जाऊँ मैं, यही चाहती है ना तू। नहीं नहीं, भाभी के कहने का मतलब है मम्मी जी कि अगर आप बाज़ार गई भी थी तो इतनी भारी थैलियाँ उठाने की क्या ज़रूरत थी आपको। अरे भूख भी लगती है इंसान को, यहाँ तो 9-10 बजे तक नाश्ते का पता ही नहीं रहता। तो बाहर तो जाऊँगी ना, इससे बहाने कोई मेरी शक्ल देख कर 2 रोटी तो दे देता मुझे। मैं समझती नहीं क्या, तुम लोग चाहती हो कि पूरे समाज में मेरा रिश्ता खत्म हो जाए, ताकि जब तुम दोनों मिलकर मुझ पर अत्याचार करो तो मेरी गुहार सुनकर कोई मुझे बचाने भी ना आए। कीर्ति अपनी सास की बात सुनती हुई डाइनिंग टेबल पर पड़े खाली नाश्ते की प्लेट और चाय के कप को देखती है जो कुछ देर पहले ही रूपा ने खाकर साफ किए थे। सॉरी मम्मी जी, आपको जो सही लगे आप कीजिए। वैसे ना बहुत सारी सब्जियाँ लेकर आई हैं, आप कौन सी सब्जी बना दूँ? अरे सब्जी बनाते तो तुम लोग खुद की मर्जी का हो, इसलिए सारी सब्जियां लेकर आई मैं, किसी बहाने आज कुछ मेरी इच्छा का भी बन जाए। एक वक्त तो आज भाजी बना देना और पाव में दूध वाले से मंगवा लूँगी। अच्छा याद आया, आज दूध वाले को मैंने पनीर लाने को बोला था, वो लेकर आएगा ही। शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी भी है, रात को मस्त पनीर चाउमीन बना देना। चाउमीन से आपको कब्ज़ नहीं हो जाएगी मम्मी जी? रात के वक्त पच तो नहीं पाएगा चाउमीन। यही तो बात है, यही बात है, यही कह रही थी मैं। सो सो बहाने है तुम लोगों के पास, दुनिया भर की सब्जियां ले आई आज मैं, तो अब चाउमीन में बुराई निकालने लगी तुम। खाना मांग लिया, यही गलती करती ना मैंने। अरे बहू, क्या बुरा किया था मैंने तेरा। ये कहती हुई रूपा जोर जोर से रो रो कर चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर उसके दोनों बेटे प्रवीण और राजेश अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं। क्या बात हो गई माँ, आप रो क्यों रही है? सीमा क्या हुआ? मम्मी इस तरह से क्यों रो रही है? अरे मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मम्मी जी को क्या हुआ अचानक। क्या होगा बेटा, इतने संघर्षों से अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया और किसी पराई लड़की के हाथ पे सौंप दिया, उसे के बदले ये आंसू रिटर्न गिफ्ट में मिल रहा है मुझे। एक बार कुछ खाने को बनाने बोल दिया तो मुझे 100 सवाल पूछे जा रहे हैं कि इस घर में क्यों खाना है, क्या खाना है। पर सही भी है, अरे क्यों ही मैं खाने का मन बनाऊं, मेरी बहुओं के लिए तो मैं हूँ कितने दिन की, खाकर भी क्या कर लूँगी। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ कीर्ति, किस चीज़ की कमी है तुम्हें इस घर में? सब तो दिया है मैंने, ऐसा भी कि नहीं कि तुम्हें सब कुछ खुद करना पड़ता है, भाभी भी है साथ में, फिर भी मम्मी को खाना भी नहीं पूछ पा रही हो तुम। और कुछ इस तरह पूरे घर के माहौल को रूपा खराब कर देती है। कीर्ति और सीमा करती भी तो क्या, वो दोनों अपनी सास की इस नेचर से अच्छी तरह वाकिफ थी। माहौल को ज़्यादा बिगड़ता देख दोनों चुपचाप किचन में चली जाती है। दोनों किचन में जाकर एक दूसरे से अपना मन का दुख कहना शुरू करती है। रोज़ की तरह फिर वही तमाशा, मेरी बहुएं मुझे खाना नहीं पूछती। हाँ भाई, खाना नहीं पूछते हम, अब तो हवा पर ही जिंदा है ना,
इतनी दिव्य शक्ति दी है भगवान ने आपको कि आप पानी पीकर और हवा खाकर पिछले 10 सालों से जीवित हैं। अरे धीरे बोलना, अगर बाहर किसी ने सुन लिया तो जो लड़ाई जरा थमी है ना, इस बार दोगुनी तेजी से शुरू हो जाएगी। पर ये तो गलत बात है ना भाभी, जब देखो मम्मी जी सभी के सामने ये कह देती है कि हम उन्हें खाना भी नहीं पूछते। अरे भगवान जानता है हमारा चिंटू 5 साल का होकर भी इतनी बार नहीं खाता जितनी बार हम मम्मी जी को खाना पूछते, और वो भी ना पेट भर के खाती भी है। सुबह ही मैंने उन्हें 4 रोटियां खिलाई है और सब्जी भी उनके मनपसंद की थी। उसके बाद भी वो लोगों को पकड़ पकड़ कर कहती हैं हम उनके मनपसंद का खाना नहीं बनाते। अरे पर हम कर भी क्या सकते, किसको बोलने जाए, इस घर में हमारी सुनता ही कौन है। हमारे पति तो अपनी माँ के पल्लू से बंधे हुए हैं, वो तो कभी हमारी बात मानेंगे नहीं। दूसरे हमारे ससुर जी जो कि शादी के दिन से ही रूपा देवी के कहे पर चलते जा रहे हैं। अब इन सबको बर्दाश्त करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा है भी तो नहीं। तभी दरवाजे पर दूध वाला अजीत पनीर लेकर पहुंचता है। भागते हुए रूपा दरवाजे पर जाती है और अजीत से पनीर लेकर उसे ऐसे देखने लगती है मानो रूपा को कितने सालों से पनीर खाने को ही ना मिला हो। कहो गया माँ जी, इतने गौर से कहा देख रही है आप। पनीर तो हम एकदम अच्छे क्वालिटी का फ्रेश छने से बना कर लाए, खा कर देखिए फिर कल बताइएगा कैसा लगा। अरे क्या बताऊँगी बेटा, ये पनीर मेरे नसीब में थोड़े ना आएगा, मेरी बहू खाने को पूछती भी कहाँ है मुझसे। कहा माँ जी, दोनों भाभी आपसे खाने को भी ना पूछती, देखकर तो नहीं लगा था कभी। कोई नहीं बता सकता कि बाहर से दिखने वाली इतनी सीधी भाभी अंदर से ऐसी होगी। ए भगवान, सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते, भगवान ना करे कहीं मेरी बीवी भी ऐसी निकला है। कुछ समय गुजरता है और हद तब हो जाती है जब सीमा की ननद उसे फ़ोन करके कहती है, मैं कभी आप लोगों के बीच में बोलना नहीं चाहती थी भाभी, पर कम से कम भगवान का तो डर रखी। इस उम्र में बूढ़ी सास को इस तरह प्रताड़ित करने में आपको शर्म नहीं आती। कृति बिल्कुल सही थी, मम्मी जी ने तो हद ही कर दी है, काम वाली दूध वाला अब दीदी। कल को पता चला मेरी माँ को भी फ़ोन लगाकर मेरी चुगली कर दी मम्मी जी ने। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, इस समस्या का हल तो निकालना ही होगा। और अगली सुबह सीमा और कृति अपनी अपनी बैग पैक करके मायके जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। ये एक साथ कहाँ जा रही हो तुम दोनों? वो क्या है ना मम्मी जी, हम दोनों ने सोचा है कि अपने पाप धोने गंगा स्नान पर चले जाएं। इस उम्र में अपनी सास को हम खाना तक नहीं पूछते। छी 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 छी, न जाने हमारी बुद्धि कहाँ चली गई थी। कल जब दीदी का कॉल आया तब भाभी को एहसास हुआ कि क्या पाप कर रही थी। रात को तो भाभी का मन ग्लानि से भर आया और फिर मुझे भी ये एहसास हुआ कि क्या पाप कर रही थी मैं। इसलिए मैंने सोचा कि इस पाप को धोने क्यों ना हम हरिद्वार चले जाए। 3 महीने के लिए हम हरिद्वार जा रहे हैं, हमारे पीछे से आप दीदी को फ़ोन करके बुला लीजिएगा। 3 महीने तो वो घर संभाल ही सकती है ना मम्मी जी। संभाल ही सकती क्या होता है कीर्ति, दीदी तो बेताब है इस घर को संभालने के लिए। और अगर कभी कुछ कम पड़ जाए तो सुषमा आंटी तो है ही, और उनकी वो बहू भी तो है, वो ज़रूर आपको याद से खाना पूछ लेगी। कभी कभी अजीत की होने वाली वाइफ भी आपके लिए खाना भेज दिया करेगी, और काम वाली तो है ही ना मम्मी जी। अब काम कोई भी करे, सबसे ज़रूरी तो आपको खाना मिलना है ना मम्मी जी। ये सुनते ही रूपा के तो होश उड़ जाते हैं। ये दोनों चली गई तो मेरा क्या होगा, मेरे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। अरे बहू, मैंने कभी ऐसा कहा क्या कि मेरी बहू है मुझे खाना नहीं पूछती। अरे ये तो लोगों को मसाला चाहिए तो तिल का ताड़ कर देते हैं। अजीत को बोला था आपने मम्मी जी, मैंने सुना था। अरे तो इतना बात को पकड़ेगी तू, उम्र हो गई है बेटा मेरी, वो भी तो देख कुछ ना कुछ बोल देती हूँ मैं। अब चल बोल भी दिया तो अब मैं मान रही हूँ ना अपनी गलती, अब भूल जा सब कुछ और मेरे लिए पनीर चाउमीन बना दे। हाँ बेटा। कीर्ति, मम्मी से खाना याद से पूछ लेना। घर के कुछ रिश्ते सीसीटीवी कैमरे जैसे होते हैं जिनका काम सिर्फ अपनी निगरानी करना होता है। अब कैमरा तो बस देखता है, लेकिन ये रिश्ते वाले कैमरे जो होते हैं ना, वो निगरानी के साथ साथ आग भी लगाते हैं। कैसे, देखिए जरा। दीदी क्या बात है, इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे तुम्हें कितनी बार कहा है, जाने से पहले पीछे से टोका मत करो। अरे गुस्सा क्यों करती हो दीदी, बस पूछा ही तो है। आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे आपकी कोई चोरी पकड़ ली हो। चोरी? चोरी नहीं करती मैं, तू ना ज्यादा नाक ना डाला कर मेरे काम पर। अपने माँ बाप से मिलने घर जा रही हूँ, और कुछ?
अरे तो ऐसे बोलो ना। मम्मी जी देखिए ना, दीदी से आजकल कुछ भी पूछो तो कैसी गुस्सा करती हैं। अब मुझे जाने से पहले तेरी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? कल की आई छोकरी, ये मत समझना तेरे जाल में आ जाऊंगी मैं। मुझे नहीं तो दीदी, कम से कम मम्मी जी को तो बता दीजिए। पूछती तो आप वैसे भी नहीं है, बड़ी है, इतना ख्याल तो रखा करिए। बहू, उसने मुझे बता दिया है, तू परेशान ना हुआ कर, जा जाकर काम देख क्या क्या पड़े हैं करने के लिए, वैसे भी सब्जियां खत्म है। ठीक है मम्मी जी, चलती हूँ। वैसे भी बाजार रास्ते में पड़ता है, कुछ लाना हो तो बता दीजिए। दीदी मेरे लिए? जिठानी बिना सुने ही चली जाती है। मम्मी जी, आपने दीदी को क्यों जाने दिया? अपने माँ बाप को देखने जा रही है तो इसमें भी रोकना है? तू भी तो जाती है ना अपने मायके। मम्मी जी मेरी बात अलग है, मैं कभी कभी जाती हूँ, पर दीदी आपने देखा है आजकल दीदी हर दो दिन बाद कहीं ना कहीं जाती रहती है। पता है माँ जी, परसों जब मैं अपने दोस्तों से मिलने बाहर गई थी ना, तब मैंने दीदी को अपने मायके जाते हुए देखा, और आज फिर जब दो दिन पहले मायके गई हुई थी तो आज कहाँ जा रही है? जो तू बोल रही है क्या वो सच है? हाँ माँ जी बिल्कुल सच, ये देखिए मैंने फोटो भी ली है, देखिए। शाम को जिठानी घर आती है। बहू आ गई अपने मायके से? हाँ मम्मी जी, आपको तो पता है ना, माँ पापा आपको बहुत याद कर रहे थे, इसलिए इन्होंने आपके लिए ये बनारसी साड़ी भेजी है, अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। जिठानी अंदर चली जाती है। मम्मी जी आपने कुछ पूछा क्यों नहीं? मुझे क्या पूछना था है? क्या पूछना था? अरे वही जो आज सुबह बताया था, इनका रोज रोज निकलने का नाटक। देख बहू, तूने उसे वहाँ की तरफ जाते हुए देखा, जरूरी तो नहीं कि वो अपने घर ही गई हो, अपने किसी दोस्त के घर भी तो जा सकती है। मुझे तो लगता है मम्मी जी की दीदी घर के पैसे बर्बाद कर रही है या फिर अपने मायके दे रही है। अरे भला वो ऐसा क्यों करेगी, घर से क्यों ले जाएगी, उसके पास खुद के पैसे है तो सही। मम्मी जी मैंने दीदी को कल बात करते हुए सुना था, उनके परिवार की हालत थोड़ी खराब चल रही है और वो जेठ जी से पैसे मांग रही थी, अब देखिए सारा घर का पैसा ना लुटा दे। सब बात सुनकर सास जिठानी पर शक करना शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद, मम्मी जी मैं जरा बाहर जा रही हूँ। बाहर कहाँ बहू, ये रोज रोज का बाहर बाहर क्या लगा रखा है? सास कभी ऐसा नहीं बोलती थी, लेकिन सीसीटीवी देवरानी के कारण सास के भी रंग बदल रहे थे। हाँ दीदी कहिए, आपको अपने माँ बाप से मिलने तो नहीं जाना ना? नहीं नहीं मम्मी जी, मेरी कॉलेज की दोस्त है, उसकी शादी होने वाली है तो वो पार्टी कर रही है, इसलिए उसने मुझे भी बुलाया है। कौन सी दोस्त दीदी, आपने इससे पहले तो अपनी किसी कॉलेज के दोस्त के बारे में नहीं बताया, ऊपर से अब शादी भी करा रही है उनकी। सास को न जाने क्या हो जाता है। तो चुप कर छोटी, सुनीता तुझे जाना है ना बेटा? जी मम्मी जी। तो जा। मम्मी जी आपको क्या हो गया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, जेठानी जी आपसे फिर से झूठ बोलकर अपने माँ पापा से मिलने गई है। मैं अगर उसे जाने नहीं देती तो रंगे हाथ पकड़ती कैसे? हाँ तो क्या मम्मी जी अब आप उनके पीछे पीछे जाएंगी? मैं नहीं, तू जा जल्दी से बहू के पीछे पीछे जा और पता कर वो कहाँ जा रही है। मम्मी जी आप अगर मुझे ये काम करने को नहीं भी देती ना तभी वह करती, क्योंकि मम्मी जी दीदी घर का पैसा अपने मायके वालों पे बहा रही है, वो भी आपसे बिना पूछे, कम से कम एक बार आपसे पूछ तो लेना चाहिए था ना। अब यहाँ खड़े खड़े टाइम बर्बाद करेगी या जो काम दिया है वो करेगी? ठीक है मम्मी जी चलती हूँ। देवरानी जेठानी का पीछा करती है। वहाँ पहुँचने के बाद देवरानी सास को फोन करती है। बता जल्दी कुछ पता चला? मम्मी जी मेरा शक सही था, जेठानी जी अपने किसी दोस्त के घर नहीं बल्कि अपने घर गई हुई है, और तो और अपने घर का ढेर सारा सामान भी लेकर गई है, लगता है पार्टी दोस्त के घर पर नहीं उनके खुद के घर पर वो दे रही है। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना आपको अब भी मुझ पर विश्वास नहीं होगा, है ना? आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं इसको,
तो वहीं रुक, मैं आती हूँ वहाँ। हाँ हाँ मम्मी जी, आप जल्दी से आइए और अपनी आंखों से खुद देख लीजिए। सास और देवरानी मिलकर जेठानी के घर पहुँचते हैं। जैसे ही जेठानी दरवाजा खोलती है, अब मम्मी जी आप यहाँ अचानक से? अगर दीदी अचानक से नहीं आते तो कैसे पता चलता आपके इस दोस्त के बारे में? लगता है आपका दोस्त आपके घर पर ही रहता है। बहू, तूने हमसे झूठ क्यों बोला कि तू? सास अंदर आकर देखती है तो उसके दोनों बेटे भी अंदर होते हैं। जेठ जी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इस वक्त तो आपको ऑफिस में होना चाहिए ना? तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो और ये सब क्या है? ये सब क्या हो रहा है? तुम तीनों यहाँ कौन सी पार्टी की तैयारी कर रहे हो? माँ, आप यहाँ कैसे? पहले तू बता, क्या चल रहा है यहाँ पर? वो माँ, कुछ ही दिनों में आपका जन्मदिन आने वाला है ना, और हम लोग ने कभी आपका जन्मदिन नहीं मनाया, तो इस बार भाभी ने सोचा कि हम सब मिलकर आपका जन्मदिन मनाते हैं और इतने सारे सालों का गिफ्ट इस जन्मदिन पर दे देते हैं। बस उसी की तैयारी कर रहे थे। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें बता देता पर तुम्हारे पेट में कोई बात पचती कहाँ है, इसीलिए तुम्हें नहीं बताया। और इसीलिए हम दोनों लंच ब्रेक के टाइम पर यहाँ आकर सुनीता की मदद करते हैं। तो बहू, रोज रोज तू इसी चीज के लिए मुझसे झूठ बोलकर यहाँ आती थी? माफ करना मम्मी जी, मैं आपसे झूठ तो नहीं बोलना चाहती थी, पर ये आपके बर्थडे का सरप्राइज था इसलिए बोलना पड़ा। ये सब सुनकर सास की आंखें नम हो जाती है। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा, मुझे लगा। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं आपकी जगह होती तो मुझे भी बुरा लगता, लेकिन आप यहाँ तक आई कैसे? मैं लेकर आई थी क्योंकि मम्मी जी को आप पर शक था। मैंने तो समझाया था सासू माँ को, लेकिन इन्होंने कहा आपका पीछा करने को। हाय रे झूठी, तू ही रोज मेरे कान भरा करती थी कि सुनीता ससुराल का सारा पैसा मायके में उड़ा रही है। आज भी तो तूने ही मुझसे कहा था कि तू इसका पीछा करना चाहती है। बड़ी बहू मुझे माफ कर दे, मैं इस कान भरू लड़की की बातों में आ गई। कोई बात नहीं माँ जी, लेकिन परिवार में विश्वास और सम्मान होना सबसे ज्यादा जरूरी है।